देखे ताहिरा होना, मुताहिरा होना, पाक दामन होना, अफीफा होना, ये अलग मंजिल है। लेकिन वो हजरत मरियम भी बहुत अजीम मकाम इन्नल्लाह तहारत का ऐलान किया हजरत मरियम की, कोई शक नहीं। लेकिन हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा का गजबनाक होना जरूरी नहीं कि उसने खुदा का गजबनाक होना शामिल। अच्छा, अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, सूरह अंबिया में हजरत यूनुस के लिए क्या कहा गया? नमाज मुफैला की पहली आयत में अलहम्द के बाद कौन सी आयत पढ़ते हैं? وظنون ان ذهب مغاضبا فظننا لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين। जब हजरत यूनुस अलैहि सलाम मुगाज़िबन, ज़न्नून यानी मछली वाले, जब वो हालत गजब में निकले अपने शहर से तो वो गजबनाक थे। हजरत यूनुस का गजबनाक होना क्या खुदा का गजबनाक होना था? नहीं, बल्कि अगर यूनुस गजबनाक होकर निकले तो अल्लाह ने कहा कि आपने डर के औला किए, क्योंकि उन्होंने बद्दुआ की थी अपनी कौम के लिए और फिर अपनी कौम को छोड़कर चले गए। जब वो चले गए तो बाद में कौम ने तौबा कर ली, अजाब नहीं आया उन पर। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा कि डर के औला का मतलब क्या होता है? गुनाह नहीं है काम, लेकिन बेहतर था कि इसे अंजाम ना देते आप। क्यों? एक नबी के लिए उसकी शायर शान ये था कि आखिर वक्त तक कौम के साथ रहते। अल्लाह को पसंद नहीं है क्या? पहले से क्यों शहर छोड़ के चले गए? तो 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। सुभानक इन्नी कुंतु मिनल ज़ालिमीन, परवरदिगार मैं ही ज़ुल्म करने वालों में से था। बस जब ना लहू, हमने यूनुस की दुआ को सुन लिया। वनजैनाहु मिनल ग़म, और उन्हें हर ग़म से निजात अता फरमाई। वकज़ालिक नुंजिल मोमिनीन, और हम हर ईमान रखने वाले को ऐसे ही निजात अता किया करते हैं। ये सूरह अंबिया की आयत है। तो मुझे बताइए कि हजरत यूनुस अलैहि सलाम का गजबनाक होना खुदा का गजबनाक होना नहीं है? सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए कि जब हुजूर ये फरमाए कि फातिमा तो बस तुम मिलनी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, अमन अजबा अजबा नहीं, जिसने सैयदा को गजबनाक किया उसने मुझे गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया उसने खुदा को गजबनाक किया। सैयदा का मामला ये नहीं है कि उनका गजबनाक होना कोई मामूली बात है। फरमाया कि इन्नल्लाह यरज़ा लिरज़ा फातिमा, खुदा राजी होता है सैयदा की रजा पर, गजबनाक होता है सैयदा के गजबनाक होने पर। यह इस्मत की दलील है। अब्दुल्ला वहीद खुरासानी एक जुमला कहते हैं ये कमाल इल्म की भी दलील है। यानी क्या? यानी अगर सैयदा का गजबनाक होना खुदा का गजबनाक होना है और सैयदा का राजी होना खुदा का राजी होना है, यानी इसका मतलब है कि सैयदा हर उस शय को जानती है जिससे खुदा राजी होता है, और हर उस शय को भी जानती है जिससे खुदा गजबनाक होता है। जब तक इल्म ना हो तब उसका अमल कैसे करेंगे? तो ये इस्मत की भी दलील है, कमाल इल्म की भी दलील है। इस खातिर के जब हुजूर उठते हैं सैयदे कौनैन के इहतराम में, तो ये बाप बेटी के लिए नहीं खड़ा हो रहा। क्या ये सुन्नत रसूल है कि बाप बेटी के लिए खड़ा हो? क्या किसी सुन्नी आलिम ने, किसी शिया आलिम ने फतवा दिया है कि जब भी कोई बेटी आए तो बाप उसके लिए खड़ा हो जाए? नहीं। लेकिन हुजूर क्यों कुल लमा कानत दखलत फातिमा, का जब भी बीवी तशरीफ लाती थी, जब भी, यानी चाहे बचपन का आलम भी क्यों ना हो, उनकी पेशानी अथर का बोसा लेते थे, अजला सहाफी मजलिसी, और उन्हें वहां बिठाते जहां खुद तशरीफ फरमा होते थे। ये क्या है? मैं इस कहना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह आपकी समातों से मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत ही कदीमी मोमिन और माशाल्लाह मौलाई मोमिनी तशरीफ फरमाए। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, फातिमा जहरा के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल। बेटी के लिए खड़े होना सुन्नत रसूल नहीं है, ये मनसब फातिमा का एहतराम, इस्मत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का एहतराम। एक हम मनसब दूसरे हम मनसब के लिए बुलंद हो रहा है, हो रही है बेटी के लिए। चार बेटियां भी जिन्होंने फर्ज की, चलो उस बहस पे सुन ली, लेकिन क्या किसी और बेटी के लिए है कि हुजूर खड़े होते थे? नहीं है। तो क्या वो हुजूर के जो हमें अदल इंसाफ सिखाए अपनी औलाद में खुद डिस्क्रिमिनेट कर रहे थे? पता ना, बात यह है कि बेटी का मामला ही नहीं है यहाँ। इस वक्त फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के एहतराम में रिसालत बुलंद हो रही है।
एक और जुमला कहता हूं, कबूल फरमाइएगा। जहां हुजूर बुलंद हो जाए तो आपका क्या ख्याल है, वहां आदम बैठे रहेंगे? कहना चाह रहा हूं, जहां हुजूर बुलंद हो जाए तो नूह अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे वहां, वहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे नहीं, वहां मूसा अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे, वहां ईसा अलैहिस्सलाम बैठे रहेंगे नहीं। तो यहां पर एक नबी की बात नहीं है जिसके एहतराम में 1,24,000 अंबिया की नबूवतें बुलंद हो जाए, उसे बातें बताता है।